दोस्तों देश के अंदर ज्ञानवापी मुद्दा बना हुआ है। ज्ञानवापी मुद्दा क्या है ये कुछ नहीं है, ये मुद्दा बनाया था औरंगजेब ने। वो औरंगजेब जो अपने भाई को सगा नहीं हुआ, वो औरंगजेब जिसने अपने भाई को तारा सुजा मुराद की हत्या की, वो औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहां को जेल में रखा, वो औरंगजेब जो अपने भाइयों का अपने पिता का सगा नहीं हुआ, वो देश का सगा क्या होगा? तो मैं इसके बताता हूँ कारण। औरंगजेब चाहता था कि ये देश हिंदू राष्ट्र होकर के एक इस्लामिक देश बने, इसका ये मकसद था। जब ये साउथ का गवर्नर था तो इसने सबसे पहले अहमदाबाद के अंदर चिंतामणि मंदिर को तोड़ा था, ध्वस्त किया था। तो बाद में शाहजहां ने उड़ीसा का बनाया गवर्नर। जब उड़ीसा का ये गवर्नर था तो इसने आदेश निकाल दिया कि उड़ीसा में जितने मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। जब ये शासन में बैठा, गद्दी पर बैठा, राजा बना देश का, उसने राजा बनते ही 12वें साल में फरमान निकाल दिया कि उसके शासन में जितने भी मंदिर मेन उनको तोड़ दिया जाए। और अकेले मेवाड़ के अंदर ही 240 मंदिरों को तोड़ा गया था। देखिए मेवाड़ के अंदर अकेले 240 मंदिर तोड़े, और हमारे मेन मंदिर मथुरा का सोमनाथ काशी को तोड़ा गया। इसके साथ ही छोटे मोटे और बड़े कुल मिलाकर के इसके शासनकाल में 39,000 मंदिरों को ध्वंस किया गया था, तोड़ा गया था। आप देखिए औरंगजेब और भी कारनामे। औरंगजेब हिंदू को काफिर मानता था। इस्लाम में लिखा हुआ है इनके अंदर जो धर्मियों को मारेंगे यानी दूसरे धर्म का पालन करते हैं उनकी हत्या करते हैं जो कोई बुराई नहीं है, उसने हिंदू काफिर माना, उनको एक तरह से बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। और देखिए जो जेल में कैदी थे इसने कह दिया जो जेल में कैदी है यदि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस लालच में हमारे चारों हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया। और देखिए इसका अगला पॉइंट कहा कि जो पढ़ा लिखा है हिंदू यदि वो नौकरी चाहता है सरकारी तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, नौकरी मिल जाएगी। इस तरह से इस्लाम को बढ़ावा दिया, हिंदू धर्म को नीचे दिखाया इसने। इसने हमारे यहाँ पर लगाया टैक्स जजिया, जजिया मीन्स जीने का टैक्स। इसने कहा कि हिंदुस्तान का शासक मुस्लिम है और मुस्लिम शासक में तुम रह रहे हो तो तुम्हें जीने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, और उस टैक्स नाम दिया जजिया टैक्स लगाया था इसने, सभी हिंदुओं को लगाया था। यानी कि जीने के लिए भी हमें एक टैक्स देना पड़ता था। हमारे त्योहार होली दिवाली को मनाने पर इसने रोक लगा दी, हम अपने त्योहार में नहीं मना सकते थे। इसने संगीत पर रोक लगा दी, जो एक महान एक हमारे यहाँ म्यूजिशियन हुए थे तानसेन जैसे अकबर के जमाने में, इसने सभी अपने दरबार में से जितने भी थे संगीतकार उनको बाहर भगा दिया, उठाओ सब अपने यहाँ से बुरी बिस्तर। तो इस तरह से संगीत पर रोक लगाना ये भी इसकी कारनामा है। इसका जो था डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी किसे बोलते हैं हम एक टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें इसने आदेश निकाल दिया कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी पदाधिकारी कोई भी अधिकारी कोई भी नौकरी वाला वो हिंदू नहीं रहेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सभी मुस्लिम रखे जाएंगे। और देखिए ताजुब वाली बात, इसने साबरमती नदी और यमुना नदी के किनारे पर जो हमारे हिंदू भाई अपनी अस्थियों को जलाते थे, सब डेड बॉडी को जलाते थे, उनको जलाने पर इसने पाबंदी लगा दी। ऐसी पाबंदी किसी भी आज तक किसी राजा ने नहीं लगाई हमारे। उसने अपने दरबार में से नाचने वाले और जो वैश्याएं थी इसने साफ कह दिया कि वो इस तरह के नाचने वाले और वैश्याएं जितनी भी हैं कि शासन में से जहां तक फैला हुआ है उसको छोड़ दे और बाहर निकल जाए। कुछ कारण मैंने बताया आप और बताऊंगा भी इसके कारण में, ध्यान से सुन रहे आप। इसने हमारे पूजा करने पर भी रोक लगा दी, हम पूजा भी नहीं कर सकते थे, हम पूजा हमारा तो हमारा धार्मिक अधिकार हमारा। और देखिए हमारे जो हिंदू व्यापारी थे उन पर 5% टैक्स लगा दिया और जो मुसलमान व्यापारी थे उनको टैक्स नहीं कर दिया, इसलिए क्योंकि हमारे हिंदू व्यापारी का व्यापार न चले और मुसलमानों को का व्यापार चले वो फायदे में रहे। और ऐसा नहीं है हमने इनको टक्कर नहीं दी, हमारे वीर शिवाजी ने इसको कई बार हराया, इसकी सेना को कई बार हराया था। हमारे भरतपुर के जो जाट राजा थे हमारे उन्होंने इसको कई बार हराया, इसकी राजधानी आगरा में इसके किले को कई बार ध्वस्त किया था। अगर हमारे महान गुरु गुरु गोविंद सिंह के बच्चों हालांकि इसने दीवार में चलवाया था परंतु इसके बावजूद गुरु गोविंद सिंह ने इसकी सेना को कई बार मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब बात आती है ज्ञानवापी मंदिर था या मस्जिद था, ये मंदिर था, इसको आज से 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया था, ये इतिहास में लिखा हुआ है। इसने 1664 में बनारस में हमारे मंदिर को तोड़ करके वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद जो नाम दिया है वो बनाई थी। अकबर ने चलाया था एक नया धर्म, उसका नाम था दीन इलाही, और इसका मानना ये था औरंगजेब का कि दीन इलाही धर्म ये इस्लाम के खिलाफ है, इसकी ऐसी सोच थी। अकबर भी खुद अपने आप में मुसलमान था। अब बात आती है कि यहाँ मंदिर था मस्जिद था, मैं आपको दे रहा हूँ प्रूफ, आप इसको चेक कीजिए। ब्रिटेन के लेखक हुए उनका नाम है आल्टेगर, उन्होंने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ बनारस, साफ लिखा है आल्टेगर ने यहाँ पर बनारस में मंदिर था मस्जिद नहीं थी। और चाइना का एक यात्री आया था वेनसांग, उन्होंने खुद कहा है स्कंद पुराण में इसका जिक्र है कि यहाँ पर मंदिर था, इसलिए जो मुद्दा बना रखा है मुस्लिम भाइयों ने इसको छोड़ दे, बिना बात की जिद न करें।
वाकई में यहाँ पर हमारे भगवान शिव का मंदिर है। मैंने आपको जो दी जानकारी ज्ञान वापी के बारे में वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको ये जानकारी किस प्रकार लगे आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, जो भी आपके विचार है मुझे बताइए आप। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशन वीडियोस को सब्सक्राइब करें और सच्चाई की जो वीडियो है मेरी ज्ञान वापी की इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद जय भारत।